गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरे चैनल एमके स्टडी पॉइंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी 2019-20 के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर बिझवार होगा। अष्टराज अम्भोज के लेखक कौन है? धानुलाल श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, इसमें जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स है वही सही आंसर है इसके, और जो ब्लैक डॉट्स नहीं है उसको सही आंसर मत मानिएगा। चक्रधर समारोह किस नगर में आयोजित होता है? चक्रधर समारोह प्रतिवर्ष खैरागढ़ में रायगढ़ में आयोजित होता है। खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? खिनवा को शरीर के नाक में पहना जाता है। किस जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं? भुजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य बैगा द्वारा प्रमुखता से किया जाता है। बैगा जनजाति द्वारा इस नृत्य को प्रमुखता से किया जाता है। गहरा गुरु किस जनजाति के थे? गहरा गुरु कंवर समाज के थे। गुंचा पर्व किस संभाग की जनजातियाँ मनाते हैं? गुंचा पर्व बस्तर संभाग की जनजातियाँ मनाते हैं। फ्रेंड्स, इस बार के एग्ज़ाम में तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा हैं, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग घबराइए मत और मेंस की तैयारी में जुड़ जाइए। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ सरकार ने पांच विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है, जिनमें अबूझ मारिया, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर है। इसमें अबूझ मारिया का प्रतिशत सर्वाधिक प्रतिशत ज़्यादा है, अतः इसका आंसर ए होगा। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? गोदना गोदने का कार्य ओझा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? यह 22 मई 2001 को अस्तित्व में आया। अच्छा, अतः इसका आंसर मई 2001 होगा। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे किसान शॉपिंग मॉल पूछा गया है, ना कि किसान बाज़ार। किसान बाज़ार की स्थापना धमतरी में हुई थी, लेकिन किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना राजनांदगांव में हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समूची व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया था? 2007-08 से प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ सरकार धान की खरीदी कंप्यूटरीकृत कर दिए हैं सभी जगह। वनों के क्षेत्र के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य में भारत में किस क्रम में है? फ्रेंड्स, क्षेत्र के दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे नंबर पे आता है, अतः इसका आंसर सी होगा। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास बैंक किस बैंक के अंतर्गत कार्य करता है? SBI के अंतर्गत कार्य करता है। मई 2018 तक छत्तीसगढ़ में सभी स्रोतों से कुल सिंचाई में नलकूप से सिंचाई का प्रतिशत क्या है? इसका सही आंसर 29% होगा। छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति का संबंध किस अवधि से है? 2019-20 से। इसकी घोषणा भूपेश बघेल सरकार ने की थी। छत्तीसगढ़ में किस खनिज का भंडार देश में सर्वाधिक है? फ्रेंड्स, यहाँ भंडार पूछा गया है। भंडार में टीन का 100% भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है, तथा उत्पादन करने वाला छत्तीसगढ़ अकेला राज्य है। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा केलो सिंचाई परियोजना। फ्रेंड्स, ये सारे जनरल करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये सब आपको अर्जुना के करेंट अफेयर्स में सभी के आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अर्जुना ने पॉइंट टू पॉइंट बुक निकाली है, अतः आप लोग उसको जाकर एक बार देख लें और एनालाइज कर लें।
कृषक जीवन ज्योति योजना लागू की गई। गांधी जयंती के दिन 2019 को कृषक जीवन ज्योति योजना लागू किया गया। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बॉक्साइट खनिज उपलब्ध है? बेसिक क्वेश्चन है कोंडागांव। छत्तीसगढ़ राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का कार्य संचालन निम्न में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जाता है? व्यापार एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चंस पूछे हैं, अतः एक या दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं मॉडल आंसर से, इसीलिए आप लोग घबराइए मत और इसे ही सही आंसर मानकर अपना आकलन कीजिए। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य के लोकायुक्त है? टीपी शर्मा को छत्तीसगढ़ के लोकायुक्त बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, ये मुझे भी नहीं पता है। राज्य सरकार के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो विद्युत मंडल सबसे ज़्यादा नौकरी देता है छत्तीसगढ़ सरकार के बाद। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का अधिरचना कब जारी हुआ? 23 दिसंबर 2019 को अधिरचना जारी हुआ था और उसी दिन से आचार संहिता लागू हो गया था। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना का प्रारंभ कब हुआ? गांधी जयंती 2019 को। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किन शहरों को सम्मिलित किया गया है? रायपुर, अटल नगर, बिलासपुर, तीनों शहरों को सम्मिलित किया गया है। देश में छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चुने गए हैं? 10 राज्य को चुना गया है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग राज्यसभा में की गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा पहले से शामिल है, अतः इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा को भी शामिल करने की मांग राज्यसभा में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को राष्ट्रीय सेवा योजना NSS 2017-18 के लिए राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्रियंका बिस्सा। महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2019 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है? रुक्मणी चतुर्वेदी जी को। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में कब किया गया? 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 2019 को। इसके तहत दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। भारतीय यात्रा में फाइयान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित है पाटलिपुत्र में। प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम। कृष्णदेवराय के दरबार में तेनालीरामन थे और देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? जमुनादास ठाकुरदास, यह गांधी जी के प्रशंसक थे। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? केरल में है शांत घाटी। चेरापूंजी खासी पहाड़ी मेघालय में स्थित है। इसको पढ़ लीजिएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर ए होगा। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा में। उल्लेखनीय है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या 31.2% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। बकिंगम नहर कोरोमंडल तट दक्षिण भारत में है, यह खारे पानी का नहर है। भारत में राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नांकित में से किस स्थिति में मान्य है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमति देते हैं तभी मान्य किया जाता है,
विलय को। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? उपयुक्त चारों। छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नांकित अधिनियमों में से किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। विषय और संविधान, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर सी होगा। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथने सही हैं। GST को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो संविधान के 101वां संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 के तहत किया जाता है। 53, इसके आंसर सी होगा। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं लेवी शुल्क की आय कर राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करती है? राज्य वित्त आयोग करेगी राज्य स्तर पर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुच्छेद 3 में उल्लेखित है कि संसद को अधिकार है किसी भी राज्य के सीमा नाम में बदलाव कर सकता है, और इस विधेयक को प्रस्तावित पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय बजट 2019-20 में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिसमें एयर इंडिया भी शामिल है के विनिवेश से कितनी राशि का लक्ष्य रखा गया है? 1,05,00,000। भारत में अक्टूबर 2019 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो इसमें PGCIL को 2019 में महारत्न का दर्जा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 10 हो गई। सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 किसके द्वारा जारी किया गया? विश्व आर्थिक फोरम, नहीं सॉरी गलत है, अंगटाट द्वारा। अंगटाट का गठन 1964 में किया गया। इसने सर्वप्रथम डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2019 जारी किया है। वस्तु एवं सेवा कर GST में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो इसमें सीमा कर शामिल नहीं है, क्योंकि GST लागू होने के बाद हम दूसरे राज्य में किसी वस्तु को उतने ही दाम में खरीद सकते हैं, इसके लिए सीमा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियाँ बनी हैं, लकड़ी की बनी हैं। निम्न में से कौन उर्वरक के रूप में उपयोग है? उपरोक्त सभी के उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़ता के नियम से संबंधित है, तथा द्वितीय नियम सम्यक संरक्षण के नियम पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण और ऊर्ध्वाधर गति से इसका कोई संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कार्य करता है? मॉडेम। प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है जिप्सम का। जब जिप्सम को 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होती है। इसके रासायनिक सूत्र Ca(SO4)2 है। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ना कि घटती ना बढ़ती है। भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का
मुख्य कारण है डिक्लोफिनेक दवा का अत्यधिक उपयोग से। कंप्यूटर में चिप सिलिकॉन से बनी होती है। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक राधाकृष्णन जी थे, सॉरी अंबेडकर जी थे। शंकर के दर्शन को कहा जाता है आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है तथा द्वैतवाद के प्रतिपादक माध्वाचार्य जी हैं। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद जी, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस अरविंद घोष आदि है, लेकिन यहाँ पे विवेकानंद दिया जाता है, इसका आंसर डी होगा। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? चार्वाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ये करेंट का क्वेश्चन है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, और राधा कृष्ण माथुर को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल या केंद्र अध्यक्ष। वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन सी अभी अहमद अली इथियोपिया। इसको इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने में निर्णायक भूमिका हेतु यह पुरस्कार दिया गया है। मिलान कीजिए खिलाड़ी और खेल। फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको दो दो खिलाड़ियों का नाम पता रहने पर आप इसको आसानी से बना सकते थे। पीवी सिंधु बैडमिंटन, मेरी कॉम मुक्केबाजी आप सभी को पता है, अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी, अतः केंद्रू हम्पी शतरंज ही आएगा। तो इसका आंसर सी होगा। पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, गूगल में इसका आंसर बी दिखा रहा है, राकेल राकर्सन। इस पुस्तक का प्रकाशन 1962 में हुआ था। इस पुस्तक के माध्यम से ही सतत विकास की अवधारणा का मॉडल प्रस्तुत किया गया है। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? डायरेक्ट क्वेश्चन, बीजिंग चीन में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक 2011 से 20 को घोषित किया है जैव विविधता दशक। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है लखनऊ में। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ में चर्चित था इसीलिए इसे पूछा गया है। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ भारतीय गैंडे का निवास है। हैमिस राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है, जिसका स्थापना 1983 में हुआ था। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ बाघ का संरक्षण किया गया है। रेड डाटा बुक में आंकड़े सम्मिलित हैं लुप्त प्राय प्रजातियों का। जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? फ्रेंड्स, यह कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थी। बहुत सारे लोगों ने एजी ट्रांसलेट लगा कर आ गए हैं। एजी ट्रांसलेट ने पारिस्थितिक शब्द की खोज की थी तथा वाल्टर जी रोजन ऑप्शन डी ने 1885 में जैव विविधता शब्द का रचना किया था। छत्तीसगढ़ के प्राचीन शरभपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी। ये बेसिक क्वेश्चन था। शरभपुर, सिरपुर, प्रसन्नपुर ऑप्शन बी सुमेलित कीजिए। फ्रेंड्स, इसको कैसे सुमेलित करना है मैं एरो लगा कर बता दिया हूँ। इसका आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में दिया गया भूमिदान एवं उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मुकासा सैनिकों को दिया जाता था, न कि ब्राह्मणों को, और बाकी सब सुमेलित हैं। छत्तीसगढ़ में वेंकट भोसला के शासनकाल में सूबेदारी प्रथा प्रारंभ हुई। इसका सही क्रम ऑप्शन डी है। महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, केशव गोविंद और भवानी कालू।
निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ी यात्रा के संबंध में सही हैं? बहुत सारे लोगों ने यहाँ ऑप्शन ए को लगा कर आए हैं, सितंबर, लेकिन दिसंबर 1920 में आए थे, अतः यहाँ आंसर सी होगा। कंडेल में जाकर नहर गीले सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें सर्वप्रथम घटना पूर्ण स्वराज सप्ताह का आयोजन हुआ था, अतः इसका आंसर सी होगा। छत्तीसगढ़ की रंडी लोहारा जमींदारी में 1973 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, इसके नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे 1937 में। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी में है। गौरलाटा सामरीपाट, गौरलाटा सबसे ऊंची चोटी है सामरीपाट की। गोमर्दा वन्य अभ्यारण्य रायगढ़ में है। धमतरी में सीता नदी है। देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव बिलासपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में 2011 जनगणना अनुसार राजस्व गांवों की संख्या 20,126 है। यह करंट का क्वेश्चन है। गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। मांद और मां नदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर चंद्रपुर में है। निम्न में से रायपुर जिले का कौन सा स्थल लोरिक चंदा के लिए गाथा के लिए संबद्ध माना जाता है? चंदखुरी। कब बवा मरी त कब बरा चुरी, इस लोकोक्ति का सही विकल्प कार्य की अनिश्चितता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ मैथ रीजनिंग करेंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज़ के क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, अतः आप नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।